नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। इस दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। कई ऐसी मान्यताएं होती हैं कई मंदिरों की, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित रहते हैं कि वो इसके बारे में जाने। आज ऐसे ही मंदिर की कहानी हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है अंगकोर वाट। जी हाँ, ये अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर काफी सालों पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती थी और इसके बाद इसको बौद्ध धर्म में तब्दील कर दिया गया। बहुत सारी कहानियां इस मंदिर को लेकर आज भी प्रचलित हैं। जी हाँ, कई लोगों की कई मान्यताएं इस मंदिर को लेकर है। आज हम इस मंदिर की सच्ची कहानी आपको बताएंगे कि क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश की जहाँ पूजा होती थी वहाँ बौद्ध धर्म की पूजा होने लगी और क्या कुछ हुआ इस मंदिर के साथ। इसकी कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। हम बताएंगे इस मंदिर के बारे में, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। कहते हैं सृष्टि की रचना करने वाला तो एक ही है, जिसे लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड, रब और जाने कितने कितने अलग नामों से पूछते हैं। हिंदू के लिए वही ईश्वर हो जाता है तो मुसलमानों के लिए खुदा, ईसाइयों के लिए यीशु मसीह, तो सिखों के लिए रब हो जाता है। इसलिए दुनिया में अनेकों धर्म हैं और हर धर्म को मानने वालों की मान्यता भी काफ़ी अलग अलग है और भगवान को पूजने का तरीका और स्थान भी अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने धर्म उतने भगवान और उतने ही मंदिर और उतने मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। मगर आज हम कोई धार्मिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर और उनके बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, अंगकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पौरात्विक स्थलों में से एक है, जो शक्तिशाली खमेर साम्राज्य के बाद शताब्दियों तक घने जंगलों में छिपा रहा था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका प्राचीन नाम यशोधरपुर था। आपको बता दें कि राजा सूर्यवर्मन बहुत ही धार्मिक विचारों वाले राजा थे। उनकी आस्था भगवान विष्णु में थी, इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित करने के उद्देश्य से करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे का प्रमुख कारण था अमरता का लालच। कहा जाता है कि राजा सूर्यवर्मन हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके अमर बनना चाहते थे, इसलिए उसने अपने लिए इस मंदिर के रूप में पूजा स्थल बनाया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती है। मगर इसके बारे में कई अलग अलग कहानियां भी प्रचलित हैं। जैसे मान्यता है कि देवराज इंद्र ने अपने बेटे के लिए महल के तौर पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं 13वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री का कहना था कि इस मंदिर का निर्माण महज एक ही रात में किसी अलौकिक सत्ता के हाथों से हुआ था, लेकिन असल में इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू धर्मों से जुड़ा हुआ है। विश्व की इस ऐतिहासिक धरोहर अंगकोर वाट मंदिर का सबसे प्राचीन काल में कम्बो देश, जिसे आज के वक्त में कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। मौलिक रूप से ये मंदिर हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है, जिसको बाद में बौद्ध धर्म का रूप दे दिया गया था। इस मंदिर का हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंध होने का प्रमुख कारण भी इसके इतिहास में ही छुपा हुआ है। इतिहास गवाह है कि लगभग 27 शासकों ने कम्बो देश पर राज किया था, जिनमें से कुछ हिंदू थे तो कुछ बौद्ध शासक थे, और यही कारण है कि खोजकर्ताओं को आज भी कम्बोडिया में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां मिलती हैं। जी हाँ, वर्तमान में देखा जाए तो कम्बोडिया में बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ जगह जगह भगवान बौद्ध की प्रतिमाएं मिल जाती है। लेकिन अंगकोर वाट यहाँ के एक अकेला ऐसा स्थान है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तियां एक साथ रखी हुई हैं। इतना ही नहीं, अंगकोर वाट मंदिर की खासियत ये भी है कि विष्णु भगवान का ये दुनिया सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की विशाल दीवारों पर रामायण और महाभारत धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां उकेरी गई है। मूल रूप से ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। कुछ समय बाद यहां भगवान विष्णु की पूजा होने लगी, लेकिन जब बौद्ध
धर्म ने इस स्थान पर कब्जा किया, तभी से यह बौद्ध धर्म के आराध्य देवता अवलोकितेश्वर की पूजा होती है। लेकिन 14वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ बौद्ध धर्म के शासकों का शासन हो गया और फिर मंदिर को बौद्ध रूप दे दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म के शासनकाल के बाद कई शताब्दियों तक ये मंदिर लोगों की नज़रों में नहीं आया। 16वीं शताब्दी के आगमन से पहले ही खमेर साम्राज्य के आक्रमण के दौरान बढ़ने लगे और अंगकोर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया और इसके अलावा कई और प्राचीन मंदिर खंडहरों में तब्दील हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद की सदियों में अंगकोर वाट मंदिर जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी अवशेषक और प्रकृति विज्ञानी हेनरी महोत की नज़र जब इस पर पड़ी तो वो इस बेशकीमती और आलिशान मंदिर को एक बार फिर दुनिया के सामने लेकर आए और उसने अंगकोर की गुमशुदा नगरी को फिर ढूंढ निकाला। जी हाँ, खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का निर्माण मुख्य शिखर करीब 64 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा इसमें 8 और शिखर हैं जो कि 55 मीटर ऊंचे हैं। इस मंदिर के चारों ओर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके बाहर 30 मीटर खाली जमीन और उसके बाद 190 मीटर चौड़ी खाई है। खोजकर्ताओं के अनुसार इसकी स्थापत्य काल चोल वंश के मंदिरों से मिलती जुलती है। जी हाँ, मंदिर के निर्माण के कुछ ही सालों बाद चंपा राज ने इसको लूटा। इसके बाद राजा जयवर्मन ने इसको अंकोर नगर की कुछ किलोमीटर उत्तर के पूर्ण स्थापित किया। 14वीं या 15वीं शताब्दी के थेरवाद बौद्ध लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। मंदिर के गलियारों और दीवारों पर तत्कालीन सम्राट बलिवामन, स्वर्ग नर्क, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण से संबंधित कई चित्र बने हुए हैं। इन शिला चित्रों में बहुत संक्षिप्त राम कथा का वर्णन है जिसकी शुरुआत रावण वध के लिए देवताओं द्वारा की गई आराधना से होती है। इसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है। मिकांग नदी के किनारे समरीप शहर में स्थित इस मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन, अप्सराओं, देवी देवताओं और असुरों और देवताओं के बीच हुए युद्ध से संबंधित कई बेहद चित्र और घटनाओं को उकेरा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्थान और पतन के कई दौर देखने के बाद आज ये मंदिर देश दुनिया के हजारों करोड़ों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र बन चुका है। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना इस मंदिर के बारे में जिसका नाम है अंगकोर वाट। जी हाँ, इस मंदिर की काफी कहानियां प्रचलित हैं। हमने जो आपको कहानी सुनाई वो बिल्कुल सच्ची थी और आप सबको सुनकर काफी अच्छा लगा होगा क्योंकि काफी समय से ये मंदिर काफी ज्यादा प्रचलित है। जी हाँ, आपका क्या कहना है इस मंदिर को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।